वही नांदेड़ में पीएम मोदी का राहुल गांधी पर हमला। राहुल गांधी को वायनाड में दिख रहा है संकट। पीएम ने कहा है कि देखिए अब तो वायनाड सीट पर भी संकट उनको मंडराता हुआ नजर आ रहा है। जैसे अमेठी छोड़ा वैसे वायनाड भी छोड़ेंगे, और ऐसे में केरल में इंडी अलायंस में ही टकरार है। यानी कि देखिए इंटरनल यहाँ पर फाइट को लेकर के भी प्रधानमंत्री ने तंज कसा और कहा कि नांदेड़ में जिस तरीके से मूलभूत मुद्दे हैं उनको लेकर के इंडी गठबंधन नहीं उतर पा रही है। राहुल गांधी को वायनाड में भी संकट दिख रहा है, वहां से भी छोड़ेंगे, और ऐसे में जैसे अमेठी छोड़ा था उस तरीके से वायनाड को भी छोड़ देंगे। इंडी अलायंस की टकरार वहां पर देखने को मिल रही है। कांग्रेस के जो शाहजादे हैं उन्हें भी वायनाड में संकट दिख रहा है। शाहजादे और उनकी टोली 26 अप्रैल को वायनाड में वोटिंग का इंतजार कर रही है। जैसे ही 26 को वायनाड में वोटिंग पूरा हो जाएगा ये शाहजादे के लिए एक और सुरक्षित सीट घोषित कर देंगे और कहीं और से फिर से लड़ाना पड़ेगा उनको। अब जैसे इन्होंने अमेठी से भागना पड़ा, अमेठी छोड़ा, अब मान के चलिए वो वायनाड भी छोड़ेंगे। आप कांग्रेस का ये परिवार, आपको आश्चर्य होगा आजादी के पहली बार स्थिति ऐसी बन रही है कि कांग्रेस का परिवार इस चुनाव में कांग्रेस को वोट नहीं देगा।